अरे हलीम, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? अब तो रुखसती भी हो गई है। चलो अंदर चलो, खाना लगने वाला है। नहीं कुछ नहीं। चलो। कोल्ड ड्रिंक पियोगी तुम? अभी तो पी थी इसने थोड़ी देर पहले। वैसे भी मैंने तो करेट की करेट मंगवाए हुए थे। तुमने देखा रिश्तेदारों को? तौबा तौबा, दे धड़ाधड़ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वो लोग तो। ऐसे ही लग रहा था भूखे प्यासे हैं। ऐसे रिश्तेदारों से तो बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे तो। मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे भी कितने मिलने वाले आए हुए थे वहाँ पर। सबकी आंखों में कितना मजाक था लपक लपक के खाने वालों के लिए। अरे मैंने तो सोचा था कि खाना बच जाएगा तो उसको फ्रीज कर लेंगे। वैसे भी सर्दियां हैं, कहाँ खराब होता। अब फिर बाद में मजा ले लेके खाते। लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमने कैद ज़दा लोगों को बुलवाया हुआ है वहाँ। अम्मा ऐसा लग रहा था सब लोग की कसर पूरी कर ली। यही हाल बाकियों का भी था। स्वीट डिश की तीन तीन प्लेटें हर एक ने खाई हैं। और वो तुम्हारी चच्ची, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। अल्लाह अल्लाह, राइफल की तीन प्लेटें खा गई वो। अगर इन लोगों को रिश्तेदारों के निवाले ही गिनने तो बुलाते क्यों है? हरीम तुम किन ख्यालों में घूमो? और वैसे तुम्हारी बड़ी बहन भी किसी से कम नहीं है। मैंने उनको खुद देखा था, दो मरतबा बिरयानी निकाली से उन्होंने, और वो भी चावल कम और बोटियां ज्यादा। कुछ तो मैनर सीख लेना चाहिए उनको। शमायला बाजी तो चावल खाती ही नहीं है, उन्होंने तो कोरमा खाया था। खैर देखा तो था मैंने, किसी और तो नहीं निकाला होगा। अरे मम्मा आ जाए, आप लोग खाना लेके। चलो तुम भी आ जाओ। नहीं आंटी, मुझे बार बार खाने की आदत नहीं है। अरे मम्मा रहने दे, हो सकता है इसने एक ही दफा में कसर पूरी कर ली हो। सही कह रही हो, आ जाओ। अभी तक तो सब सो रहे हैं, मैंने हरीम से कह दिया नाश्ता बनाने को। अच्छा किया आपा, वैसे भी ये लोग देर से उठेंगे, सारी रात बातें बनाई होंगी। बेचारे गरीब रिश्तेदारों का खूब मजाक उड़ाया होगा। चलो खैर से बेटी की शादी हो गई, अब हमें भी इजाजत दो। ऐसे कैसे जाने दूं? आपा चंद दिन तो रुक जाए, मैं रेहान के हाथ आपको घर छोड़वा दूंगी, रुक जाए। अरे हम ज्यादा कपड़े भी तो नहीं लाए। कपड़ों का क्या है, आतिफ से मंगवा लेंगे, बस आप रुक जाए। सुरैया मैं तो रुक जाऊं, मगर हरीम नहीं रुकेगी। और मुझे आदत पड़ गई है, ये सारे काम मेरे खुद करती है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। बड़ी प्यारी और सादतमंद बच्ची है, एक हमारी पोतियां हैं, नई नई दौलत का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है। बस मैं तो अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कभी रेहान कभी आतिफ यही आकर मुझे पूछ लेते हैं, वरना मुझ बुढ़िया का वजूद तो इन माँ बेटी की आंखों में खटता है। माशाल्लाह आतिफ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, बाप पर गया, बहुत फरमाबरदार और नेक। हाँ भाई देखें, लाएगी कोई हूर परी तलाश करके। कितनी बार मैंने मारिया को समझाया है कि भाई कोई अच्छे घर की खानदानी लड़की लेकर आओ, उसे अपनी बहू बनाओ, एक ही तो बेटा है तुम्हारा। वैसे भी बेचारे आतिफ का रिश्ता तो दो बार खत्म हो चुका है, पर हमारी बहू है कि उसकी आंखों में दौलत की पट्टी बंधी हुई है। क्या कह सकते हैं सुरैया, दौलत अच्छे अच्छों के दिमाग खराब कर देती है। वैसे तुम्हारा बेटा रेहान बड़ी तरक्की कर गया, माशाल्लाह अल्लाह उसे और नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। वाह वाह, कहा था ना अपने गरीब रिश्तेदारों को मत बुलाएं। माइयों से वलीमे तक का खाना ठूस ठूस कर गए हैं, और लिफाफे में क्या ये 500? अरे भाई बेगम, जिसकी जो हैसियत है वो वही देगा ना। और तुम भूल रही हो कि चंद सालों पहले हमारा शुमार भी इन्हीं गरीब रिश्तेदारों में होता था। गरीब थे, अब है नहीं। हमें अब अपने स्टेटस के मुताबिक लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। ये मेरे रिश्तेदार, ये देखें, ऐसे दिया जाता है और ऐसे लिया भी जाता है।
अच्छा ना, जो हुआ सो हुआ, अब लकीर पीटने का क्या फायदा। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि रमशा की फ्लाइट कब है? कल है। ठीक है, तो फिर कल चलते हैं उससे मिलने के लिए। ठीक है। देखा आपने आपा, यहाँ सब बड़े एहतमाम से नाश्ता करते हैं और मुझ बुढ़िया से तो पूछना गवारा भी नहीं करती मारिया। 10 बजे के बाद मुलाजमा आती है, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा उसने नाश्ता बनाया, मेरे कमरे में रखा और चली गई। वो तो आज हरीम ने बना लिया था सुबह ही सुबह नाश्ता, तो मिल गया खाने को। मुझे भी ये सब देखकर बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह मेरी बहू का जन्नत नसीब करे, कभी मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया उसने। पोतियों की भी इसी तरह तरबियत करके गई है। सुरैया, मेरे छोटे से घर में जरूरियात जिंदगी की इतनी आसाइशें तो नहीं है, मगर प्यार, खलूस और मोहब्बत से माला माल है। पर आपा, यहाँ तो मामला इसके बरक्स है, आसाइशों का अंबार है। मगर हम भी ज्यादा दिन तो नहीं रोक सकते ना, हरिम बार बार जिद कर रही है घर जाने की। तो तुम्हारी पोती को इस घर में तकलीफ क्या है? अरे हम दोनों तो आपस में बातें करके और पुराने वक्तों की किस्से कहानियां जिक्र करके वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन हरिम बेचारी मुंह बंद किए यहाँ से वहाँ कोने कुदरों में बैठी रहती है। क्यों बेजार बैठी रहती है वो इस घर में? उसकी हम उम्र लड़कियां हैं, उनके साथ हंसे बोले बातें करे, अपना टाइम पास करे। हद करती हो सुरैया, तुम अपनी पोतियों को जानती नहीं हो, और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी पोतियों को। अपने आगे भला वो किसी को समझती है कुछ? अनाम मेरी बात सुनो, हरीम पे खास तौर पर ध्यान रखना है तुमने, और अपनी दादी पर भी, और हाँ खास तौर पर आतिफ के कमरे का भी ध्यान रखना, उसमें मैंने गोल्ड रखा हुआ। क्या अम्मी, अब अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं रेडी हूँ, ये देखो रिंग पूरी है ना। अरे है। मुझे काम याद आ गया। हरीम, हरीम, देखो हम घर से बाहर जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? जी। देखो आज हमारी मुलाजमा नहीं आई, तो तुम अनम के साथ मिलकर ना खाना बना लेना, अनम घर पर ही है। ठीक है? ठीक है, चलो। चले अम्मी, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो चलो। गए ये लोग? हाँ। फाइनली आज दोनों घर से बाहर चले गए। अब आज के दिन इस घर की बड़ी सिर्फ मैं हूँ, बहुत एंजॉय करूंगी। वैसे गई कहाँ है? आतिफ भाई का रिश्ता देखना। अच्छा, इसका मतलब है आतिफ भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर दें अब हम? अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। वैसे भी ये 2-3 साल से सर्चिंग चली रही है, अब ये ना हो ना तुम कपड़े बना बैठो और जब तक आतिफ भाई की शादी हो तब तक ये फैशन ही निकल जाए। और यू नो कितनी तेजी से फैशन बदलता है, और फिर तुम खरीद भी नहीं सकती। अच्छा सुनो, मम्मा कहकर गई थी कि हरीम को कहना खाना बना ले, सामान फ्रिज में रखा है। मुझे तो कह रही थी कि अनम खुद बना लेगी, तुम बस थोड़ी सी हेल्प कर देना। मम्मा को तो जैसे पता ही नहीं है कि मैं कितनी सुघड़ हूँ। है छोड़ो, तुम बिरयानी बना लेना, बहुत शौक से खाते हम सारे। दाल चावल बना लेना। अरे इनकी मुलाजमा तो रोज रोज खिचड़ी बनाकर रख देती है, वो भी बदमजा। तरस गई हूँ मैं खुश जायका खाना खाने के लिए। इन लोगों को तो आने में टाइम लगेगा, पहले दादी के लिए परहेजी खाना बना लेती हूँ। हरीम, चलो जरा मेरे साथ। कहाँ जाना है? मम्मा बुला रही है। अच्छा, तुमने कुछ पकाया भी नहीं, आंटी इतनी जल्दी आ गई।
जी आंटी, तुमसे कहकर गई थी ना मैं कि खाना बना लेना। आंटी वो मैं छोटी दादी का परहेजी खाना बना रही थी और आपने ही तो कहा था कि अनम के साथ मिलकर बना लेना, लेकिन अनम तो किचन में आई नहीं। अनम को कहाँ है आदत किचन में काम करने की, और तुम अपने तंदूर नुमा किचन में काम कर सकती हो तो क्या यहाँ नहीं काम कर सकती? सच में मुरव्वत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है लोगों में, एहसान ही नहीं मानते हैं किसी का। हरीम, हरीम बेटा जी, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, अपनी बेटी को जरा ये भी सिखा दें कि बड़ों का कहना मान लेने में इसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं आ जाएगी। क्या कह दिया हरीम ने? मैं और मेरी बेटी किसी काम से चले गए थे बहुत जरूरी। जब हम थके हारे घर वापस आए, किचन में देखा तो खाली बर्तन हमें मुंह चढ़ा रहे थे। हरीम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रहने दे अम्मा, इसके खाने के इंतजार में यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। आतिफ आया अभी ऑफिस से, खाना लेने गया। मैंने तो कहा था हरीम से कि बिरयानी बना दे, लेकिन इसने सारा टाइम दादी के परहेजी खाने में लगा दिया। पर अनम भी तो घर पर थी, वो खाना बना लेती। शाबाश, उसे अपनी माँ बहन की फिक्र नहीं थी। वैसे मारिया, तुम्हारी बेटियाँ हैं बड़ी कामचोर। अम्मा, मैं अपनी बेटियों को ऐसे घर में नहीं ब्याऊंगी जहाँ पे सारी उम्र चूल्हे के आगे गुजर जाए। ऐसी लड़कियों को सोच समझ के चलना चाहिए और काम से जी नहीं चुराना चाहिए, बाद में इनके लिए ही मुश्किल होगी। अल्लाह जाने कि उसने किसकी किस्मत में क्या लिखा है और किसके लिए क्या बेहतर है। चलो गरीब। दादी, हम घर कब चलेंगे? देखे ना ये लोग कैसा सुलूक करते हैं हमारे साथ। हाँ मेरी बच्ची, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। अब अपनी बच्ची बैठी हुई है उसकी, लेकिन तुमसे काम कराती है, तुम पर रोब छाड़ती है। ठीक है, घर पर फोन कर दो, हम कल सुबह घर चलते हैं, कोई आ जाए हमें लेने। ठीक है, मैं फोन करके आती हूँ। बैठे ना। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? और किसको फोन किया जा रहा है? घर पे फोन करवा रही हूँ। तुम देख रही हो ना कि मारिया किस तरह का सलूक करती है उसके साथ। अपनी बेटी बैठी हुई है लेकिन उसके ऊपर काम करने का रोब छाड़ती है। हम मेहमान हैं, हमने तो चले ही जाना है, तो आज नहीं तो कल। बेहतर है हम सुबह चले जाए। जा रहे हैं। पापा, अकल से काम लो और अपनी पोती को भी सिखाओ। अरे अब अगर घर के काम काज में थोड़ा बहुत घुस जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? मारिया लड़के की माँ है और लड़का भी ऐसा कि पूरे खानदान में उस जैसा नहीं है। अगर हरीम मारिया की आंखों में टिक गई ना, तो समझ लो कि बच्चे की किस्मत संवर जाएगी। रहने भी दे सुरैया, क्या मैं जानती नहीं हूँ मारिया को? खानदान की किसी लड़की को वो अपनी बहू नहीं बनाएगी। और हाँ, कल सुबह हम वापस जा रहे हैं। चलो अब जैसी तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना मैं तुम्हारे साथ। बस अच्छा लगा था तुम आई थी तो। तुमने मेरा न्यू मोबाइल नहीं देखा ना? ये देखो, मैं तुम्हें इसकी पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ। अरे तुम्हारा तो इतना सख्त मूड खराब है। अच्छा पता है क्या हुआ? ये लोग जिनके यहाँ रिश्ता लेके गए थे ना, उन लोगों को अचानक ही कहीं जाना पड़ गया और उन लोगों ने एक कॉल करके इतना देना था गवारा ना समझी। बस इसी वजह से मम्मा को इतना गुस्सा आ गया था। बेटी वाले होकर खुद को समझते क्या है। मुझे पैकिंग करनी है, हम लोग कल सुबह जा रहे हैं। ओहो, इसीलिए तो उदास बैठी हो। भाई जाहिर है, जो मजे हमारे बड़े घर में हैं वो तुम्हारे छोटे घर में कहाँ। मुझे ना तुम्हारे घर में बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे हाँ, जाओ जाओ, एक तो तुम शो ऑफ बहुत करती हो। नरम बिस्तर के मजे, मजे मजे के खाने, भला तुम्हारे घर में कहाँ।
और हाँ याद आया, आतिफ भाई आज बाजार से बड़ा मजे का खाना लेकर आए थे, अच्छा हुआ तुमने नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। और कैसा लगा मारिया आंटी के घर जाके रुकना? आप तो जानती हैं आपी, मुझे उनके घर जाना कभी भी अच्छा नहीं लगता, वो तो मजबूरन दादी की वजह से जाना पड़ा। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। वैसे आप बताएं, आपके ससुराल से कोई मिलने नहीं आया या फिर फोन? मेरे ससुराल में कौन है फारिक जो चक्कर लगाएगा, ले देके एक नंद है वो दूसरे शहर रहती है, वो भी अपने घर में मसरूफ है। वैसे आप ही, अगर आपकी सास मारी आंटी जैसी होती ना तो हमारे लिए भी आजमाइश होती। बुरी बात है, सब लोग एक जैसे नहीं होते और वो बेचारी तो इस दुनिया में भी नहीं, तो प्लीज उनके लिए ऐसा मत बोलिए। वो तो ठीक है, लेकिन आपके मंगेतर साहब वो तो फोन करके आपकी कोई खैर खैरियत ले सकते थे ना। अब्बा के पास कॉल आती है उनकी, अब्बा से बात होती रहती है। आखिर तुम चाहती क्या? चार दिन बड़े लोगों के घर में क्या रुक के आ गई? तुम्हारी तो सोच ही बदल गई। पैसों से कोई बड़ा छोटा नहीं होता आप ही, आजकल तो बीबी यही पैमाना है। वैसे वो लोग ना बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी हसद करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं और ये सब करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। अल्लाह सबको महफूज रखे। चार पैसे के आ गए उनके पास, उनका तो दिमाग आसमान पे चला गया है, पता नहीं क्या समझने लग गई है वो, सब लोगों को निचले दर्जे की मखलूक समझती है। और दादी वो भी उन्हें कुछ नहीं कहती? छोटी दादी उन बेचारी की तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा चाय पियोगी? हाँ दादी। हाला हमारी तरफ भी आ जाया करें। अरे बच्ची इस उम्र में अब कहाँ कहीं आया जाया जाता है, अब तो वजू करना भी मुश्किल हो गया। एक तो पानी ठंडा होता है, नमाज किस तरह पढ़ती हूँ कैसे बताऊँ। अब ऐसा तो नहीं कहें, मारिया क्या तो आपको जाती आती है और हरीम को भी साथ ले जाती है, उसे कभी हमारे घर आने का ख्याल नहीं आता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मारिया के घर में सुरैया की वजह से जाती है। और हरीम को कौन रोकता है? कैसी बातें कर रही हो हिना, कौन रोकेगा हरीम को? मैंने रोका था, मारिया की बच्चियां तो अपना काम नहीं करती तो मेरा क्या हाथ करती? मेरे काम तो सारे हरीम करती है, इस बुढ़ापे में मुझसे नहीं होते काम। वैसे तुम यही सब पता करने आई हो? अरे नहीं नहीं, वैसे ही बात से बात निकली तो मैंने कह दिया, आतिफ तो ठीक है ना? मतलब की बात पे देर से आई हो, तसल्ली रखो आतिफ ठीक है और उसकी बात कहीं पक्की नहीं। वैसे तुम खामखा यहाँ आई, तुम्हें सीधे मारिया के घर जाना चाहिए था। क्या मतलब? अब बनो मत, क्या मैं जानती नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मैं पूरे खलूस और हमदर्दी से तुम्हें ये मशवरा देती हूँ कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। मारिया और उसकी लड़कियों के ख्याल बहुत ऊंचे हैं, वो अपने से भी कहीं ज्यादा अमीर और पैसे वाले घर की लड़की लाएंगी। मारिया और उसकी बेटियां कितनी भी फसादी हों, मगर आतिफ बहुत अच्छा और नेक लड़का है, वो मेरी बच्चियों से और मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिलता है। चलो खोल रहे हैं। कौन है? कैसे? अरे आतिफ भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आइए ना अंदर आए। बैठे। दादी नमाज पढ़ने गई हैं। अब आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ परेशान तो हूँ, ताईजन घर पे नहीं है क्या? नहीं बस मैं और दादी हैं, आप ही महल्ले में कपड़े देने गई हैं। आप मुझे बता दें क्या बात है, अब्बू के मोबाइल की तो बैटरी खराब हो गई है। परेशानी तो है, वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अंकल ठीक तो है, कैसे हुआ? हाँ ठीक है अल्लाह के शुक्र है, डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं है, अस्पताल में है, दोस्त और अहबाब तो है उनके साथ,
लेकिन दादी को तसल्ली नहीं। दादी चाहती है कि पापा के साथ या तायाजान हो या बिलाल। तायाजान आया तो दादी का मैसेज दे देना। रुके, मैं और दादी आपके साथ चलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्यों ना रखते सब आपका ख्याल, ये पूछें कि किस किसने नहीं रखा। हिना को देख लें, उसकी बेटियां, सलीम भाई, उनकी बीवी, सरवत भाई की तो पूरी फैमिली। जाहिर है उन सबको मालूम है हम सबसे बना के रखने में ही फायदा है। और आतिफ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, सारे रिश्तेदारों से झुक झुक कर मिलने की कोई जरूरत नहीं है। रूका से सलाम किया करो और अपने रूम में चले जाया करो, और हाँ, अंदर से लॉक लगा लिया करो। हिना की बेटियां बड़ी ढीठ हैं, कहीं तुम्हारे कमरे तक ना आ जाएं। मम्मा, वो सभी पापा कह रहे थे कि मैं उन्हें घर छोड़ूं। कोई जरूरत नहीं है, रक्षे से चली जाएगी वो, और वैसे भी मुझे और कमल को कहीं काम से जाना है। ठीक है मम्मा। मेडिसिन टाइम पर दे देना। ठीक है मम्मा। अब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, कुछ बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। रेहान जब से बीमार हुए हैं हम लोग तो ओढ़ना पहनना ही भूल चुके हैं। हाँ ना मम्मा। अब देखो बाजार में कितने अच्छे अच्छे सूट आए हुए थे ना। मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शॉपिंग ना करो तो ऐसा लगता है जिंदगी बिल्कुल वीरान है। ये लो अनम, ये तुम्हारा सूट। मम्मा क्या हो गया आपको, ये कैसा कलर और प्रिंट लेकर आई हैं आप मेरे लिए? आप जानती हैं मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन दुकान पे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे करो कमल, ये तुम रख लो। क्यों, मैं क्यों रख लूं ये? मैं नहीं पहनूंगी ऐसे मरे हुए रंग। चल हटा इसे। तो हरीम को दे देना। हाँ सही कह रही हो तुम। हरीम, हरीम। जी आंटी। ये लो, ये तुम पे अच्छा लगेगा, तुम पहन लेना। ये तो इस्तेमाल के बगैर ही इस्तेमाल शुदा लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए। वाह, कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं बढ़ गए तुम्हारे? तुम्हें पता भी है इसकी प्राइस क्या है? जब मुझे पहनना ही नहीं है तो इसकी कीमत जान के क्या करूं। वाह भाई वाह, महारानी के नखरे तो देखो। ऐसे करो हिना की बेटियों को दे देंगे, ठीक है ना? लाओ वो लिफाफा दो। आपी, आपको पता है मुझे दादी ने सब बता दिया, आपके ससुराल वाले आ रहे तारीख मांगने के लिए। हाय अल्लाह आपी, जब आप चली जाएंगी ना तो ये घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा आपके बगैर। अच्छा वैसे पका क्या रही हैं? क्या पका सकते हैं, कभी एक दाल तो कभी दूसरी दाल, और दरमियान में अगर मुंह का जायका बदलना हो तो सब्जी। ये ठाट वाले खाने तो छोटी दादी के घर बनते हैं। क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सही तो कह रही हूँ हरीम, पहले हमारे हालात कौन सा बहुत अच्छे थे, और अब ये जहेज के मसले ने कुछ भी अच्छा खाना पकाना एक ख्वाब ही कर दिया। कुछ दिनों की बात है, आपकी शादी हो जाएगी, आप चली जाएंगी, फिर जो जी में आए वो पकाइएगा वहाँ जाके। वहाँ कौन सा बहुत पैसा बरस रहा है? क्या बात है, आज इस कदर उकता रही हैं अपने हालात से। जब दादी और अब्बा को परेशान देखती हूँ ना तो अपना आप मुजरिम लगने लगता है। हमारे माशरे ने औरत के वजूद को कितना कमतर कर दिया है, एक पलड़े में दूल्हा और दूसरे में दुल्हन, फिर उसके साथ इतना सामान, जेवर, कपड़े और कभी कभी तो कैश भी। फिर भी औरत का पलड़ा हल्का ही रहता है, मर्द के बराबर नहीं हो सकती कभी भी। शायद इसकी जिम्मेदार भी ना औरत खुद ही है, लड़के के घर से आने वाली खवातीन ही बढ़ चढ़ कर मुतालबे करती हैं अपनी बेटियों को पैसे वाले घरों में रुख्सत करना। अब हिना आंटी को ही देख लें, रेहान अंकल की बीमारी पर कैसे अपनी दोनों बेटियों को लेके पहुंच गई और भाग भाग कर उनके काम करने लगी। ठीक है अच्छे रिश्तेदार मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इसके लिए इस हद तक गिर जाना मुझे तो औरत की तौहीन लगती है। सही कह रही हूँ,
हाँ याद आया, अब्बा के नंबर पर अनम की कॉल आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। अब्बा ने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ, घर जाऊँगा तो बात करवा दूंगी। हैं खैरियत, ये अनम बीबी को मेरी याद कैसे आ गई? पता नहीं। कैसी हो खुदगर्ज लड़की, यहाँ से जाते तो मैं भूल ही जाती हूँ। खैरियत, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बड़ी अहम न्यूज़ है तुम्हारे लिए। आखिर ऐसा भी क्या है? पता है, मम्मा और कवरबाजी ने लड़की पसंद कर ली भाई के लिए, और हाँ भी कर आई है, और दो दिन बाद उनकी मंगनी है। मुबारक हो, ये तो वाकई खुशी की खबर है। तुम्हें खुशी हुई? मम्मा और कवरबाजी का ख्याल था कि खानदान वाले तो कम के मारे बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, बहरहाल मुझे तो बहुत खुशी हुई। आतिफ भाई तीनों बहनों से बड़े हैं, और पहले भी उनकी एक मंगनी टूट चुकी है, एक बार रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब तक तो उन बेचारे की शादी हो जानी चाहिए। बेचारे खामा खा, वो तो लड़कियाँ ही ठीक नहीं थी। मम्मा बता रही हैं ये लड़की तो इतनी खूबसूरत है ना, और उसका बैकग्राउंड, ओहो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसके अब्बू का, और इकलौती बेटी है। अब तुम खुद सोचो, इकलौती बेटी है तो सब कुछ मेरे भाई का ही हुआ ना। अच्छा अच्छा बात सुनो, शायद मम्मा आ रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ, सही है? अल्लाह हाफिज़। अनम की कॉल क्यों आई थी आज तुम्हारे पास? अनम बता रही थी आतिफ भाई का रिश्ता पक्का हो गया, दो दिन बाद मंगनी है। क्या, और तुम मुझे अब बता रही हो? अरे भैया आप क्यों उठ के बैठ गई? वैसे भी हमें कौन सा सवाब मिल जाएगा उनकी शादी में जाने से। और अनम बता रही थी कि मामा ने बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उससे रहा नहीं गया इसलिए उसने मुझे बता दी। जिस राज की हिफाजत अनम खुद नहीं कर सकती तो तुम क्यों कर रही हो? अनम बता रही थी कि हमारी होने वाली भाभी इकलौती हैं और अमीर माँ बाप की बेटी है। वैसे 3-4 साल से तो उनकी भाभियाँ सिर्फ होने वाली होती हैं, होती नहीं। क्या पता इस बार हो जाए। और ये भी बता रही थी कि बहुत खूबसूरत है। शादी के बाद यही लड़की मारिया आंटी को दुनिया की बदसूरत तरीन लड़की लगने लगेगी। क्या पता इसका उलट हो, दौलत तो मारिया आंटी की कमजोरी है, हो सकता है पैर धो धो के पिए अपनी बहू के। चलो खबर तो मजे की है, लेकिन हमें अभी तक इनवाइट क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर करेंगे मैं तो अपने जहेज के कपड़ों में से कोई अच्छा सा सूट निकाल के पहनूंगी। दादी आपको हाथ ही ना लगाने दे उन सूटों को, और वैसे भी अगले महीने शादी है आपकी, अब सो जाएं, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, आज खुशी का मौका है। मुझे तो तुम्हारी बीवी बेटियां ना इस खुशी में शरीक ही करना नहीं चाहती, तो तुम मुझे जबरदस्ती लेने के लिए आ गए। मेरी बहू तो किसी काम की है नहीं, सोचा था कि अपने पोते के लिए ऐसी बहू लाऊंगी जो घर गृहस्थी संभाल सके, दर्द दिल रखती हो, कम अज कम मेरा बुढ़ापा तो अच्छा गुजरे, मगर लगता है कि ये हसरत दिल में ही रह जाएगी। अरे अम्मी आप जानती तो हैं मारिया को, वो पसंद नहीं करती है, और वैसे भी आज मंगनी है ना, इंशाल्लाह हम शादी में पूरे खानदान को बुलाएंगे, ठीक है? चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा आप लोगों ने तो आना ही छोड़ दिया, पर मुझे बहुत याद आ रही थी, मैंने आतिफ से कहा भाई मुझे छोड़ कर आ। अच्छा किया तुम आ गई, हम इसीलिए तुम्हारे घर ज्यादा नहीं आते कि तुम्हारी बहू को हमारा आना अच्छा नहीं लगता। सही कह रही हैं आप, अरे जब उसे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं तो मेरे मिलने वालों का क्या करेगी वो। अब छोटी दादी आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, कभी सही रहती है कभी खराब,
अच्छा ये बताओ, और शुमाइला खुश तो है ना अपने घर में? बस मैं उसकी शादी में नहीं आ सकूं। माशाल्लाह से बहुत खुश है। अच्छा ये बताओ, आतिफ की दुल्हन कैसी है, ठीक है? नहीं, मुझे क्या पता कैसी है। और अब वो आतिफ की दुल्हन कब रही? क्या मतलब? मना कर दिया उन लोगों ने। मारिया जो ख्वाबों के महल तामीर कर रही थी ना, एक बार फिर चकनाचूर हो गए। क्या कहा उन्होंने, क्यों मना किया? नहीं, मुझे क्या पता मुझसे कौन सी वो बातें करती है। मुझे तो वो कुछ समझते ही नहीं है कि कोई बुढ़िया इस घर में रहती है। और सुनाओ शुमाइला, अपने घर में खुश तो हो ना? जी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। एजाज बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उन जैसा शौहर मिला। अपनी किस्मत पे जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। लेकिन दादी, आप लोगों की बहुत याद आती है। बस बेटा, अब हमें कम ही याद किया करो, क्योंकि तुम अपने ससुराल में हो, अब वही तुम्हारा असल घर है, समझी? चलो तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। आप रुक जाए ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, मैं एजाज को कॉल कर देती हूँ। आपको आतिफ भाई का पता चला? नहीं, क्या हुआ? उनकी ये मंगनी भी खत्म हो गई। फिर की होगी मारिया आंटी ने कोई घटिया हरकत? नहीं, इस बार मंगनी लड़की वालों ने खत्म की है। वजह? छोटी दादी बता रही थी, हानिया बचपन से ही अपने ताए के बेटे को पसंद करती थी और दोनों का रिश्ता भी हुआ हुआ था। तुम क्यों इतनी अफसरदा हो रही हो? बेचारे आतिफ भाई, उनके साथ ऐसा तीसरी मर्तबा हुआ है, अब तक तो उनकी शादी हो जानी चाहिए थी। और जो हानिया भी आके उस घर में चली जाती तो उसके साथ जो होता, इस बात का कुछ अंदाजा है तुम्हें? और आतिफ भाई, उनकी तो अपनी कोई राय ही नहीं है, वो तो अपनी माँ बहनों के इशारों पे चलने वाले कठपुतली नुमा मर्द है। अच्छा ही हुआ, हानिया के हक में यही बेहतर था। अच्छा सुनो, वो एजाज मुझे एक रिश्ता बता रहे थे, उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत मिलनसार लोग हैं और बहुत शरीफ हैं, उन्हें जहेज भी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ, फिर दादी और अब्बा से पूछूँगी। आप कह रही हैं तो अच्छा ही होगा, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आप लोग तो मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। पढ़ ली नमाज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। मारिया आंटी की कॉल आई थी अब्बा के पास, वो तुम्हारा रिश्ता मांग रही हैं आतिफ भाई के लिए। दादी तो बहुत खुश हैं, लेकिन अब्बा बता रहे थे कि मारिया आंटी इस तरह बोल रही हैं जैसे वो हम पर कोई एहसान कर रही हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं बोलोगी तुम? आप ही, इसके बजाय तो आप दादी और अब्बू से एजाज भाई के दोस्त के रिश्ते की बात करें। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहां इंसानों की नहीं पैसे की कदर हो, ख़ानदान में इन लोगों की एक बार फिर नाक ना कट जाए, इसलिए इस घर का इंतखाब किया कि यहां से हाँ ही होगी। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं दादी और अब्बा से बात करती हूँ। या अल्लाह, मुझे वो बेटी ना बनाना जिसकी वजह से वालदैन का सर झुक जाए। या मेरे अल्लाह, मेरा नसीब ऐसे घर में जोड़ना जहाँ पर पैसे की नहीं इंसानों की कदर की जाए। या अल्लाह, मेरे हक में बेहतरी अता फरमा, तू तो दिलों के हाल जानता है। नहीं बेटा, सोच रही थी आप? हाँ,
बैठो, तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। बेटा, मारिया का बार बार फोन आ रहा है और उसके लहजे से साफ दिखावा है कि वो ये रिश्ता करके हम पर एहसान कर रही है। फिर सुरैया की बात भी याद आ जाती है। उसने कहा है, आपा इस दफा हमें मायूस मत कीजिएगा, रेहान और मारिया को इस रिश्ते पे बमुश्किल राजी किया। उसका कहना है कि हरीम शादी करके उस घर में चली जाएगी तो उसको सुकून आ जाएगा। लेकिन दादी, हरीम इस रिश्ते पे खुश नहीं है और उसने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। एजाज ने एक रिश्ता बताया, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिलनसार हैं। देख लें दादी, ये ना हरीम को जानते बूझते हम किसी अंधे कुएं में धकेल दें। अम्मा जी, अपनी बेटी को जरा ये भी सिखा दें कि बड़ों का कहना मान लेने में इसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, हम चाहते हैं कि हम रस्म सादगी से करें, आप भी मत बताइएगा रिश्तेदारों को, फिर बाद में हम मिठाई बांट देंगे उन्हें। तब ये सारे काम तो तब होंगे ना जब हम सारे इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। ये क्या बात हुई अम्मा जी, जब हाँ करनी है तो खामखा देर किस बात की। असल में मारिया, हरीम का एक और रिश्ता आया हुआ है और हम सब उसके लिए राजी हैं। लेकिन अम्मा जी, पहला हक तो रिश्तेदारों का होता है ना। हमारी तरफ से तो माजरत समझो और आतिफ के लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। कदर करने वालों को ही बेटियां कदर करने वाली मिलती हैं, बेकदरों को कुछ नहीं मिलता।